अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप सब ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोजे? अब तो जी बस रमजान जो है ना खत्म होने को ही है और फटाफट ही गुजर गया, पता ही नहीं चला। और अल्लाह ताला ने इतने अच्छे जो ना अच्छे तरीके से हमारा रमजान गुजार दिया, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा होता था, तो बहुत ठंडे बहुत प्यारे जो है ना हमारे रोजे गुजरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज ना आप लोगों के साथ मेरी कुछ अपनी शॉपिंग शेयर करनी है, काफ़ी टाइम से की हुई है, तो मैं चलो शेयर करती हूँ। जैसे पिछले साल से ना थोड़ा सा जो सेम प्रिंट का जो था ना ट्रेंड कपड़ों का, मतलब विंटर हो या समर हो, तो बड़ा उसका पीक पे था। और मतलब लास्ट अभी जो विंटर गुजरा है इसमें बड़ा इसका ट्रेंड रहा है और अच्छे भी लगते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हम नानी और दादी की जब शॉपिंग करते थे तो ना इस किस्म के ढूंढते थे जो कि सेम प्रिंट हो, और मामा भी इस तरह के पहनती थी तो हम कहते थे बुड्ढों वाला ये सूट है इस तरह का जो सेम होता है। अब देखिए वही ट्रेंड आ गया और अब हर एज का, मतलब टीन एज हो, मतलब यंग हो या फिर थोड़ी सी एजड वुमेन हो, जो भी हैं गर्ल्स, तो सभी पसंद करते हैं सेम प्रिंट, ठीक है ना, ऑल ओवर। तो सब ब्रांड्स ने भी जो है ना आपको अनस्टिच में भी कपड़ा निकाल दिया, टू पीस जो है ना सेम प्रिंट है, जिसमें सबसे रिजनेबल तो खड़े के हैं। और उसके बाद गुलामत के भी आपको मिल जाते हैं, जे डॉट के तो थ्री पीस भी इस दफा आए हैं, जिनके ट्राउजर और शर्ट सेम प्रिंट है और दुपट्टा डिफरेंट, मतलब थ्री पीस भी आपको सेम प्रिंट में मिल रहा है। और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, बट रीजनेबल तो ना मुझे खाडी के लगते हैं। और गुलामत के भी 3000 तक आपको मिल जाता है टू पीस प्रिंटेड सेम, ठीक है। अगर आप दो सेम शर्ट्स लेके, जैसे सफायर पे भी मिल जाते हैं आपको, और रीजनेबली है अगर आप प्रिंटेड लेते हैं। बट एनीवे, अगर आप लोकल मार्केट से लेते हैं तो आपको आई थिंक 1200-1500 की रेंज में टू पीस आराम से मिल जाएगा। ये जो नॉर्मल अरेबिक लॉन या लॉन होती है जो पठानों भाइयों के पास होती है, तो वो बड़े आराम से 1200-1500 का आपको टू पीस मिल जाता है। और अगर आप 1000 पे स्टिचिंग देते हो तो आराम से आपका ना बहुत अच्छा 3000 के अंदर अंदर जो ना तैयार हो जाता है सूट पूरा। और सबर भी तो आई थिंक ऐसे ही खुले ढुले कपड़े अच्छे लगते हैं और सेम प्रिंट के तो प्यारे लगते हैं पहने में। तो मैंने भी स्टिच तो नहीं करवाया, बट मैंने तो रेडी टू वेयर ही लिए हैं। मुझे होता है कि मैं रेडी टू वेयर ही ज़्यादा ले लूँ, क्योंकि अगर आप ना घर में जो औरतें सिलाई करवाती हैं उनसे स्टिच करवाते हो तो रिजनेबल पड़ जाते हैं, अगर आप टेलर से स्टिच करवाएंगे ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्राइस बन जाती हैं। तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं रेडी टू वेयर ही जो है ना बाय करूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर, वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। ये जी खाडी का, ठीक है, और ये मुझे हो गए होंगे डेढ़ हफ्ता दो हफ्ते जब मैंने बाय किए थे, तो शायद अब भी मिल जाएंगे न्यू अराइवल में से। और ये लॉन है, ठीक है, और ये सेम प्रिंट की शर्ट है। पहले जो उनके पास कैम्ब्रिक के भी सेम प्रिंट के थे, और लास्ट टाइम जो अभी सर्दियां गुजरी हैं तब भी मैंने बड़ा अपना जो ना वार्डरोब में ऐड किए हैं सेम प्रिंट के, ठीक है। और अब समर का मेरे पास लास्ट ईयर का एक ही था एथनिक का, तो इस दफा मैंने ऐसे ही लेने, क्योंकि कढ़ाइयों वाले आप ले तो लेकिन पहने नहीं जाते, ये घर के यूज के लिए ना बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, खुले डुले और अच्छे भी लगते हैं। ये इस टाइम का कुर्ता स्टाइल में शर्ट है और बहुत ही प्यारा ब्लू कलर है। बस खाडी के ना ये है कि इनके गले ना जितने भी ना सबके ऑलमोस्ट सेम है, बहुत बड़े बड़े गले हैं, और शायद अब इतने बड़े गले पहनने की आदत नहीं है, तो बहुत मुझे तो ये बहुत ज़रा डीप लगते हैं। बट एनीवे चलें चल जाएंगे। और आगे जो ना लेसेज लगी हुई, किसी पे लेसेज लगी हुई है, किसी पे नहीं लगी हुई, किसी पे डिटेलिंग हुई हुई है, किसी पे नहीं हुई हुई। और एथनिक आप लेते हो ना तो आपको सेम प्रिंट सेम प्राइस ही पे करते हो आप, लेकिन खाडी का ये है कि थोड़ी बहुत इनकी ना प्राइस अप एंड डाउन होती है अकॉर्डिंग टू डिजाइन, अकॉर्डिंग टू फैब्रिक, ठीक है। अब इसमें कोई भी डिटेलिंग नहीं है, सिंपल गला है, ठीक है, स्लिट बनी हुई है और हुप्स लगी हुई है और बाजू में आगे जस्ट लेस लगी हुई है। तो इसकी प्राइस है ना कुर्ते की जो है ना 2200 का, ठीक है, वो आपकी मर्जी, अपनी च्वाइस, आपने सूट लेना है, अकेला कुर्ता लेना है, ठीक है। तो ये खाडी पे हमें मिल जाती है ऑप्शन। तो ये बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है, ये देखें, बहुत प्यारा सा ब्लू कलर है और इस पर ऑरेंज और शॉपिंग पिंक कलर की केरियां सी बनी हुई है। और इनकी लेंथ ना मीडियम है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है। एथनिक पे अभी अच्छी तरह आई नहीं है, लॉन आई है, अभी थोड़ा सा मिक्स कपड़ा है, तो इंशाल्लाह एथनिक से भी मैं लूंगी, उनकी अच्छी शर्ट्स की लेंथ होती है लॉन्ग। और साथ है जी शलवारें, ठीक है, मेरे पास शलवारों वाले कपड़े नहीं थे इतने, घर में जो है ना शलवारें और खुले डुले कपड़े ही अच्छे लगते हैं, मुझे तो खुले डुले कपड़े ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। एक मैंने खाडी से ये ले लिया, और इसकी सब बॉटम की प्राइस तो मैंने बता ही नहीं, 1400 का ये ट्राउजर बनेगा और आपका 2200 की शर्ट बनेगी। इससे कम प्राइस में आपको किसी भी ब्रांड में शर्ट नहीं मिलेगी जो खाडी में मिल रही, ठीक है। और ये मुझे ब्लू बहुत प्यारा लगा, और एक ये जी मेरा मोस्ट फेवरेट मस्टर्ड कलर कह लें इसको, ये देखें कितना प्यारा कलर, ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। और इसके स्लीव
स्लीव्स भी ऐसे ही हैं और इनके स्लीव सारे वही हैं जो एल शेप के कुर्ते के लिए होते हैं उस किस्म के, और ये भी लूज फिटिंग में और मतलब के अच्छा, और इसमें बड़ा वो ग्रीन कलर और थोड़ी थोड़े से फ्लावर बने हुए हैं और काफी अच्छा है समर के हिसाब से खुला डुला। ठीक है, इसका भी जस्ट गला सेम ही, मतलब साइज सेम ही कट गया, बस उन्होंने एक ही कटिंग करके रखा, सबका वही गला है। एथनिक इसलिए अच्छे लगते हैं मुझे, उनके गलों के स्टाइल लाजमी चेंज होते हैं। ठीक है, डिटेलिंग हो या ना हो, गले जो है ना मोस्टली उन्होंने स्टाइल चेंज किया हुआ होता है, बट खाटी के तो ऑलमोस्ट सभी कहीं ना गले इसी किस्म के हैं, गोल स्लिट और ये के साइज के। और इसके साथ भी अगेन शलवार है, ठीक है, नॉर्मल इनके बॉटम में ज्यादा खुला पहुंचा नहीं है, मुझे ऑल्टर नहीं करवाना पड़ेगा। जो लाइमलाइट में आएंगी ना शलवार, उनके बहुत खुले बॉटम है और सिंपल बेल्ट है, सही हो गया जी। और ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, वो भी अच्छा लगा, तो आप लोग बताना कि कैसा लगा। अच्छा, इसके साथ जब मैं लाइमलाइट पे गई थी तो फिर बाय चांस मुझे दुपट्टा भी मिल गया, नहीं तो लाइमलाइट से बहुत कम होता है कि आपको दुपट्टा मिल जाए, तो मैंने कहा चलो जी ले लो। और इस दुपट्टे की जो प्राइस थी 900, और बाकी मस्टर्ड कलर मेरे पास काफी है, येलो काफी है, इसके साथ मेरे घर से ही मैच हो गया है। ओके जी, अगला जी मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने लाइमलाइट पे भी आए हुए होते हैं जो कोट्स होते हैं जो के सेम प्रिंट के सूट हैं, मैं भी काफी आए थे, लेकिन इनकी शर्ट्स की लेंथ बहुत ज्यादा शॉर्ट है, तो मैं चाह रही थी मीडियम हो, लॉन्ग हो, या एटलीस्ट मीडियम तो हो। दूसरे इनके बाजू बहुत ही यहाँ तक होते हैं, 3/4 बहुत ही मतलब छोटे छोटे से होते हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते, बट ये मुझे अच्छा लगा था प्रिंट। ये देखिए कितना प्यारा मैं शलवार दिखा रही हूँ, पहले आपको कमीज दिखाती हूँ। और इसका जी बैन है, इनके भी गलों का चलो स्टाइल चेंज हो जाता है, सेम नहीं होता, बैन है, बटन है, और ये कितना प्यारा कलर, ये कलर भी मेरे पास नहीं था। अच्छा लग रहा है ना समर में ऐसे कलर्स पहने हुए, बड़े प्यारे लगते हैं, फ्रोजी सिर्फ देखे थे, छोटू से बाजू हैं, तो बट मुझे इसका ये ना अच्छा लगा था कलर, तो इसलिए मैंने बाय किया। और इसकी लेंथ भी मतलब ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, बस मीडियम है, ठीक है चल जाएगी। और इसके साथ भी शलवार है, यूँ खाटी की शलवार की स्टिचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, और ये इसके साथ बहुत ज़्यादा खुला बॉटम है, ठीक है, ये शलवार है, ठीक है, खुली है, तो इस पर अगर मुझे ऑल्टर करवाना हुआ तो मैं भी करवा लूँ, इतना नॉर्मल 7 या 8 इंच पहुँचा होता है, नहीं तो फिर चल भी जाएगा। आजकल वैसे भी जो शलवारों के पहुँचे ना थोड़े से लूज ही चल रहे हैं, इनका थोड़ा सा ट्रेंड है। इसके साथ भी शॉपिंग पिंक दुपट्टा आप आराम से पहन सकते हो अगर आपके पास बेस कलर नहीं है, इसके अलावा व्हाइट भी चल जाएगा, बट मुझे व्हाइट दुपट्टे इतने अच्छे नहीं लगते, इसके साथ शॉपिंग पिंक कलर ही दुपट्टा अच्छा लगेगा। ब्लू का कलर इसमें बहुत कम है, ये देखें, ठीक है, तो ये भी अगर आप कपड़ा लेके स्टिच करवाओगे तो आपको इससे ज़्यादा रिजनेबल पड़ जाएगा। और ये जी बहुत ही रिजनेबल मुझे पड़ा है, 3699 का पड़ा, इट मीन 3700 का पड़ा, जो कि पहले एथनिक की प्राइस ना सूट्स की वही, लेकिन अब एथनिक के जो इस रेंज के सूट थे ना 3700 के, अब उनके जी हो गए हैं 4000 के, क्योंकि सबकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, बट लाइमलाइट का जल अभी भी हमें जो ना 3700 में मिल रहा है, और उनके काफ़ी 3-4 और भी आए हुए थे सेम प्रिंट में, बट वही बात के अगेन इनमें से ज़्यादा मैक्सिमम शर्ट की लेंथ ना जो शॉर्ट थी, ठीक है। और खाटी का भी हमें 36-37 का ही पड़ता है, नहीं तो सम इनमें कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जिनकी शर्ट्स की प्राइस ना 31-32 है, और फिर शलवार ट्राउजर की प्राइस डिफरेंट है, पता नहीं वो कपड़े का होगा या फिर कोई थोड़ी बहुत डिजाइनिंग हो क्या वजह है, बट ये तो है ना बहुत ही सस्ते हैं, मतलब 2200 की कमीज मिल रही है आपको और 1400 का ट्राउजर मिल रहा है, ये भी इतने का पड़ रहा है। और उसके बाद अगर आपने इनसे भी ज़्यादा जो है ना बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लेने, तो फिर आप ज़ेलबरी पे जाएंगे, ठीक है। तो ज़ेलबरी से जो है ना, मैंने आपको पहले भी अपनी शॉपिंग हॉल में शेयर किया था कि ज़ेलबरी से मैंने क्या बाय किया था। अच्छा जी, ज़ेलबरी से मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ ये वाला सूट, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, लेकिन जब मैं लास्ट वीक गई थी तो ये फिर आया हुआ था, डिस्प्ले हुआ हुआ था, पहले ये ख़त्म हो गया था, तो ये इनके सबसे ज़्यादा रिजनेबल है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, फाइन है इनकी लॉन भी, और सबसे ज़्यादा रिजनेबल है इनके ज़ेलबरी के, 3000 तक आपको 2 पीस मिल रहा है, और ये बहुत प्यारा है, लॉन्ग शर्ट है, अंगरखा है, और मैंने ये पहले भी जो है ना अपनी ईद की शॉपिंग थी ना वीडियो उसमें किया था, और नीचे से ए लाइन है, और ये टसल्स बना हुआ है, मतलब फुल अंगरखा, और ये देखिए इसका घेर कितना है बॉटम, ये देखें बिल्कुल ये कट है आगे, जो प्रॉपर अंगरखा होता है ना उस तरह का है ये, और ये इसके स्लीव्स हैं बहुत ही, ये देखिए प्यारा सा इसके आगे बॉर्डर अटैच है, गला भी अच्छा है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था,
इसके बाद ज्वेलरी पे इतनी लंबी शर्ट कोई टू पीस नहीं आया। सिंगल शर्ट तो है लंबी लेकिन टू पीस अभी तक नहीं आया, बाकी मीडियम ही है। और इसके साथ बहुत ही प्यारा सा ट्राउजर है, ये बहुत प्यारा कलर है, ऑरेंज शॉकिंग पिंक, थोड़ा सा इसमें ब्लू जामनी सा कलर है, तो बहुत प्यारा है। इसके साथ ही आराम से शॉकिंग पिंक दुपट्टा और ऑरेंज दुपट्टा तो मेरे पास लाजमी है। ये कलर तो बहुत बेसिक से हैं तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ये वाला प्रिंट भी ना, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा था। तो दुपट्टे इनके साथ मेरे से घर से ही मैच हो गए थे, लाइम लाइट से ये मुझे बाई चांस मिल गया तो मैंने ले लिया था, नहीं तो इसके साथ भी शॉकिंग पिंक और ऑरेंज टाइप का ना चल जाना था। इस टाइम के जो होते हैं ना सेम प्रिंट के, इनके साथ प्लेन दुपट्टे अच्छे लगते हैं, और जो होते हैं ना शर्ट प्रिंटेड और शलवार प्लेन, वो वाले टू पीस मुझे नहीं अच्छे लगते, वो बड़े अजीब से ना पीसेस में बन जाता है कि शलवार प्लेन फिर शर्ट प्रिंटेड फिर दुपट्टा प्लेन। तो इस तरह के जो सेम प्रिंट के सूट होते हैं ना इनके साथ प्लेन दुपट्टा आप ले लो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, एलिगेंट लगता है। और वैसे भी आजकल इसका ट्रेंड जो है इतना के पीक पे है ना सब ब्रांड्स ने, इसीलिए जो ना प्रिंटेड आपको अनस्टिच में मिल ही जाएगा हर ब्रांड में, और रेडी टू वेयर में भी आपको मिल जाएगा। तो लेकिन अब आपने देखना है कि आपके बजट के हिसाब से आपको कहाँ रिजनेबल मिलते हैं, सिर्फ बातें के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगते हैं टू पीस, ठीक है। और इसके सफायर के भी बहुत ज़्यादा, उनका ब्रेड जो है ना प्राइसी है थोड़ा सा, लेकिन आपने अगर रिजनेबल जाना ना तो आप खाटी पे, लाइमलाइट और जेलप्री पे इन पे जरूर विजिट करें, तो आपको बड़े रिजनेबल ड्रेसेस मिल जाएंगे। और आल्सो एथनिक भी बहुत रिजनेबल है, तो अभी एथनिक पे जो है ना सईद वाली जो है ना इस तरह की कैजुअल ड्रेसेस जो है उनके नहीं आए, तो जब वो आएंगे इंशाल्लाह वहां से भी मुझे एक आध तो मैंने बाय करना ही करना है। तो बट अभी उनके थोड़ा सा मिक्स फैब्रिक ही आ रहा है, तो इस किस्म का भी लॉन वाला नहीं आया जो आगे सारी गर्मियां हम पहन सकें। तो अभी फिलहाल तो मैंने ये चार बाय किए थे तो मैंने आपको दिखाए, तो चले जी अब मैं ना इनको पहन के भी आप लोगों को दिखाती हूँ वो कैसे लगती है और इनको कैसे पेयर अप कर सकते हैं नॉर्मल आप कैजुअली यूज के लिए, किस तरह जो ना आप इनको स्टाइल भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बता देना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। और ये जी सबसे पहले खाड़ी वाला सूट आ गया। अच्छा ये ढीले ढाले से जो शलवार के साथ सूट जो है ना ये खुस्से इनके साथ बड़े अच्छे लगते हैं, और ये खुस्सा मैंने यहाँ फिरोज़ शूज़ शॉप है इंस्टा का एक पेज है वहाँ से मंगवाया था पिछले साल, आई थिंक तब तो ये 1600 या 1500 के थे, अब तो इनकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई होंगी, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये जी नंबर टू पे ये जो येलो मस्टर्ड था दुपट्टा मेरे पास था, और ये वाले कलर तो मेरे पास होते ही हैं मस्टर्ड शॉकिंग पिंक, और ये इसके साथ खुस्सा बड़ा परफेक्टली मैच हुआ था, वही कलर उसके अंदर थे मस्टर्ड और ग्रीन, और ये भी उसी ही पेज से मैंने ऑर्डर किया था, और बहुत ही प्यारा बहुत ही फेवरेट जो ना खुस्सा था, और मतलब कि लॉन की ड्रेसेस के साथ ना खुस्से भी अच्छे लगते हैं पहने में, बहुत एलिगेंट सी लुक आती है, और प्लेन खुस्से भी अच्छे लगते हैं। और ये जी जेलप्री वाला ऑरेंज कलर का इसके साथ ये दुपट्टा था मेरे पास क्रश बुनैनजा का, और ये दुपट्टा मेरे बहुत सारे सूटों के साथ मैच हो गया था, और आप कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं बट मुझे ये अच्छा लग रहा था। और इसके साथ शॉकिंग पिंक कलर के टसल्स लगे हुए हैं दुपट्टे में, और इसके साथ जूते जो मैंने पहने हैं ना ये मैंने लिए थे लास्ट ईयर एंडोर के थे, शॉकिंग पिंक कलर के वालवर टाइप का इसका जो है ना है, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे क्योंकि दुपट्टा बेस कलर का हो गया और जूते हो गए जी शॉकिंग पिंक। दुपट्टा और जूते हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास घर से ही हमने जो है ना मिस एंड मैच कर लिए इनके साथ। और ये जी लास्ट है लाइमलाइट का, और अच्छा ये देखें अभी भी शर्ट की लेंथ इतनी मीडियम नहीं है, शॉर्ट टाइप ही है तो शॉर्ट ही लेंथ आ रही है। और ये जी कोल्हापुरी इसकी बेस बिल्कुल सेम इसी कलर की थी और उसके ऊपर येलो, ये मैंने जो है ना 2 साल पहले एथनिक से ली थी, और एथनिक भी अभी बहुत प्यारी कोल्हापुरीज आई हुई हैं, और मेरा बड़ा दिल कर रहा था लेने को बट मुझे पता है कि मैं मुझसे नहीं पहनी जाती कोल्हापुरी, खुसास तो मैं पहन लेती हूँ बट कोल्हापुरी ना मुझे अजीब सा ही लगता है पहना हुआ, तो बट इसके साथ मैंने पेयर अप किया है और साथ ग्लासेस भी लगा लिए हैं जो कि हमने खाड़ी से लिए थे। तो अच्छा जी इसके ना बॉटम मुझे काफ़ी लूज लग रहा है, आई थिंक मुझे अल्टर करवाना पड़ेगा, अजीब सा झोला मोला सी लग रही है शलवार, जो खाड़ी की शलवार है ना वो बहुत प्यारी है उनकी स्टिचिंग है। और ये जी हमारी कोल्हापुरी, और ये है जी फुल लुक, और आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।